चंद्रयान तो अपने मिशन में सफल हो गया, भारत चांद पर पहुंच गया। अब आपकी बारी है बिहार शिक्षक भर्ती में कुछ बेहतर और बड़ा करने के लिए। इस बार अब की बार इसी ठमार को सपना को पूरा करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती में आपको कुछ ऐसी जो गलतियां नहीं करनी, कुछ ऐसी चीजें करनी है जो आपको इस परीक्षा हाल के अंदर सफलता तक पहुंचा सकती है। सबसे पहला काम, आपको परीक्षा का जो डर है अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मतलब परीक्षा का डर आपके ऊपर अगर हावी हो गया तो ऐसे प्रश्न जो आपको सही हो सकते थे वो गलत हो जाएंगे, गलत होने वाले तो होंगे ही। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना है, पूरे परीक्षा को, पूरे परीक्षा प्रणाली में, पूरे परीक्षा के समय में अपने आप को परीक्षा के ऊपर खुद हावी होइएगा, लेकिन परीक्षा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। नकारात्मक अंक नहीं है, चाहे भाषा की बात करें, चाहे हम जीएस की बात करें, मैंने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, निगेटिव मार्किंग अब नहीं है। इसलिए कई बार गलती हो सकती है कि पेपर सेकंड में बुकलेट पर लिखा हुआ आ सकता है कि इसमें नकारात्मक अंक है, लेकिन बीपीएससी ने बात जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि भैया जी यहाँ पर नकारात्मक अंक नहीं है। दूसरी बात यह है, ओएमआर शीट को भरने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओएमआर शीट में कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि आप परीक्षा में कितनी अच्छी तैयारी आपने कर रखा है, लेकिन अगर ओएमआर शीट को आपने नहीं भरा, गोला को सही नहीं भरा, तो आपके अच्छे अंक कितना भी हो लेकिन आप परीक्षा के रेस से बाहर हो जाएंगे। आपके नंबर टेट सीटेट में कितना है, इस बात से ज्यादा माने हैं कि इस परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करना है। अधिकतर अंक को पाने के लिए आपको तैयारी करनी है। कटाप का जो दायरा था वो भी खत्म कर दिया गया, कटाप के दायरे को आपको छलांग लगाकर जाना है, और इस रण में सरल प्रश्न को गलत नहीं करना है, कठिन प्रश्न को ज्यादा सही करने की संभावना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं, इसलिए सभी प्रश्नों को करना है, तुक्का भी लगाना है। तुक्का के लिए ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर आपको लगेगा ना ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, जो आपकी अंतरात्मा का उत्तर हो सकता है उस पर क्लिक करिएगा, उस पर टिक करिएगा। कई बार होता है उसको लगाकर बाद में कहते हैं नहीं यार ये गलत नहीं होगा। एक गलती और होती है, कुछ लोग कहते हैं एक बार पेपर में टिक कर लो, फिर अंत में क्या करते हैं गोला भरना शुरू कर देते, एक आधे प्रश्न ऊपर नीचे हुआ तो कई प्रश्न सीरियल से गलत हो जाते हैं। कई ऐसी गलतियां जो अपने सीटेट या प्रीवियस ईयर पेपर में गलतियां की थी, अब इस परीक्षा में गलती नहीं दोहराना है। बुकलेट नंबर ध्यान से भरना है, बुकलेट का क्रमांक ओएमआर में ध्यान से भरना है। पांच विकल्पों वाला पेपर होगा, मतलब एक विकल्प प्राय होगा, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, तो वह गलत होने की, वह सही होने की संभावना 20% है, 80% संभावना है गलत होगा, इसमें कोई नहीं होगा। ये सभी जहां पर मिलेगा, यहां पर 60% संभावना है वो सही होने की, ये दोनों, ये तीनों, ये 60% संभावना होती है इसकी सही होने की, तब तुक्का इनका सहारा ले सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता है, गणित नहीं आता, गणित अंत में करना है, गणित टाइम टेकन है, तो अगर आपको लगता है गणित में बहुत भयभीत करने वाला है, गणित में आपका समय तोड़ेगा, आपका गणित में समय नुकसान होगा, तो गणित को आप अंत में करिएगा। सबसे पहले जो फोकस करना है, जिन टॉपिकों पर फोकस करना है, उसमें सबसे पहला जो होगा आपका वो आप जीएस पे फोकस करिएगा। भाषा आपके लिए क्वालिफाइंग है, भाषा पे उतनी मेहनत मत करिएगा, नकारात्मक नहीं, आंख मूंद कर भी करेंगे तो भी भाषा पे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको पूरा जो फोकस करना है वो पेपर टू पे करना है, जीएस वाले, जीके वाले पेपर पे करना है। इसलिए आप लोग कतई निराश नहीं होगा, एकदम कतई डरिएगा नहीं, आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा। कई बार क्या होता है, सेंटर परीक्षा में आप देर से पहुंचते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा प्रथम पाली में पुरुष, सेकंड पाली में जो महिला अभ्यर्थी है, समय से पहले सेंटर पे पहुंच जाइएगा, और अपने साथ अपना परिचय पत्र हो, साथ में एक दो फोटो स्टार रखिएगा, परिचय पत्र के साथ साथ अपना एडमिट कार्ड रखिएगा, और पेन अपने पास सुरक्षित रखिएगा, उसके साथ आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करिएगा। एक तरफ पेपर रखिएगा, एक तरफ ओएमआर शीट, पेपर के प्रश्न हल करते रहिएगा, ओएमआर को गोला करते हुए बढ़िएगा, ताकि ये गलती ना हो कि लास्ट में भरेंगे, हो सकता है लास्ट में आपको टाइम ही ना मिले और आपकी बुकलेट छिन जाए। कुछ मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि पेपर करते समय वो क्या करते हैं, आराम से गोला कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन ओएमआर भरेंगे, पता चला 120 प्रश्नों के पेपर में अभी 40 से 50 गोला कर पाए, तब तक घंटी लग गई टन 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 और छिन गया, या उसके चक्कर में कई बार गोला गलत हो जाता है। बुकलेट नंबर जो होता है ए बी सी डी पी क्यू आर एस एम एन पी एक्स वाई जेड, तो इस तरह से जो बुकलेट नंबर होती है प्राय वो भी गलती करते हैं, बुकलेट नंबर भी सही भरना है, बुकलेट का क्रमांक एकदम सही भरना है, रोल नंबर डीओबी माने जो जो डेटा आपसे पूछा जाएगा पूरी तरह से सत्य और सही भरना है, किसी प्रकार का फॉर्म में नहीं आना है, और अपने पूरे व्यक्तिगत अपने बौद्धिक दिमाग का प्रयोग करना है, क्या सही है क्या नहीं इस बात को आपको भी परखना होगा। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे इस बार परचम लहरा के आइएगा, यकीन मानिए अब की बार एक सीट हमारा जो सपना है वो बिहार शिक्षक भर्ती के साथ पूरा होगा। इसी के साथ आप लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, और मिशन चंद्रयान की तरह अब मिशन बीपीएससी भी आपको पूरा करना, और मिशन बीपीएससी आपका जरूर पूरा होगा, इसलिए अपनी जान लगा दीजिएगा, पर जाने मत दीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी, आपके हाथों में होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी इलानी बी दुर्गेश की टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। इलानी बी दुर्गेश का नोट्स का जलवा रहेगा,
करंट के जो ज्यादा सवाल प्रश्न सरल रहेंगे, कठिनाई स्तर ज्यादा होगी। एससीआईटी को पूरा फोकस करेंगे, एससीआईटी के इर्द गिर्द ही पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। एससीआईटी के इर्द गिर्द प्रश्न सरल होंगे लेकिन उसकी कठिनाई स्तर क्या होगी थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। बिहार के सामान्य परिचय से कम 8 से 10 सवाल पूछे जा सकते हैं बिहार के सामान्य परिचय से। संविधान का फिर से हर बार की तरह बोलबाला मिलने वाला है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जलवा रहेगा इस बार के पेपर में, ऐसी संभावना ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं हम इस पेपर में। फिलहाल पेपर दीजिएगा, पूरे मनयो के साथ दीजिएगा, हम आपके परिवार ऋषि देवता आपके साथ हैं। खुद पर भरोसा रखिएगा क्योंकि आप परीक्षा हाल में जब रहिएगा अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखिएगा क्योंकि आपसे ज्यादा भरोसेमंद वहां पर कोई आपका नहीं है। इसलिए फिर से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और झोला भर भर की बधाइयां ताकि आप जब भी परीक्षा हाल से बाहर निकले तो आप सफलता के उस मंजिल के करीब हो जिसका सपना आपने खुद आपके माता पिता आपके परिवारजनों ने सजाया था। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, डरिएगा नहीं, अपना फैसला दीजिएगा। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, मिशन बीपीएससी पूरा करके आना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा। अच्छा आपका सेंटर कहाँ पे, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ है।